एनी सुनो ना, आप मुझे बताओ मैं शाम में वहां जाने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई से भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, वैसी लगोगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मजा ले कोई अच्छा मशवरा दे दो तुम। देखो भाई, मैं तुम्हारी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ कि मैं ससुराल जाने के लिए अपने सारे काम वगैरह छोड़ के इन कामों में पड़ जाऊँ, और ना ही मुझे कोई इतना शौक है। वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शहरयार ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। अरे भाई, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की तरह नहीं कि छोटी छोटी बातें भी मोहल्ले में जाके फैला दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद आकर हमें बताई है। तुम बड़ी तारीफें किए जा रही हो उनकी। चलो अब उठो, कपड़े निकाल कर दो, मैं प्रेस कर दूंगी। नहीं भाई, मैं तो कतई नहीं जा रही। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रही तुम? तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छी जबरदस्ती है भाई, जाना जरूरी है क्या मेरा? अपना ना सही, कम से कम मेरा ससुराल ही समझकर चली चलो। इस लड़की का ना बहुत दिमाग खराब होता जा रहा है। कल भी इसने अपनी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा करवाया था, और आज ना जाके हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है ये। अम्मी बस बहुत हो गया, लगता है मुझे ही निकालने पड़ेंगे तुम्हारे कपड़े। मुझे उल्टी सीधी कोई बहस नहीं चाहिए। समझाया करें अम्मी इसे, आप पता नहीं खुद को कहां की महारानी समझती हैं, हर वक्त नखरे। मैं नहीं जा सकती, और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। देखो यानी तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम लोग मुझे तैयार मिलो, समझी? और तुम जा रही हो हमारे साथ, तैयार करवाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी क्यों इतनी एक्साइटेड है। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे कपड़े निकाल कर दे दो। नहीं, ड्रामा भी रहता है, लेकिन ये तुम गंदे कपड़े पहन के जाओगी वहां पे? ये गंदे नहीं है, साफ है।